हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आज हम जा रहे हैं अपनी गाड़ी की थर्ड सर्विस कराने, जो 10,000 किलोमीटर पर होती है। अपनी गाड़ी है अर्टिगा VXI CNG और गाड़ी जो है अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कितनी चल चुकी है। 9,500 के आसपास चल चुकी है। एक मिनट, 9,490, 9,500 समझ लो। 10,000 पे सर्विस होती है, बट टाइमिंग अपना 1 ईयर हो चुका है। या तो 1 ईयर पे आपको करानी होती है, या फिर 10,000 गाड़ी अगर आपकी कितने ही महीने में चल जाती है, 2-4 महीने में भी, अगर 5 महीने भी चल जाती है तो आपको करानी होती है। तो चलते हैं, सर्विस कराते हैं, देखते हैं गाड़ी में क्या क्या सर्विस होता है, कितनी कॉस्टिंग आती है। ये मेजर सर्विस है, पहली मेजर सर्विस होती है, 10,000 किलोमीटर पे होती है। फर्स्ट और सेकंड सर्विस में कुछ नहीं होता है, नॉर्मल चेकअप ही होता है। उसके बारे में डिटेल में भी आपको बता दूंगा क्या क्या होता है पहली और दूसरी सर्विस में। मैंने पहली और दूसरी सर्विस की वीडियो इसलिए नहीं डाली है क्योंकि उसमें कुछ होता ही नहीं है, दिखाने को ही नहीं था कुछ। मैंने सोचा था कि थर्ड वीडियो में जो है सारा कवर दूंगा। फर्स्ट सेकंड सर्विस के बारे में भी आपको डिटेल में बता देता हूँ अभी, पहले आप थर्ड सर्विस देख लो। वीडियो के एंड में जो आपको फर्स्ट एंड सेकंड सर्विस के बारे में भी सारी डिटेल दे दूंगा, क्योंकि थर्ड सर्विस ही मेजर सर्विस होती है। ऑयल चेंज होता है, अलाइनमेंट अनबैलेंसिंग देखी जाती है। मेजर सर्विस जो अपनी 10,000 पे ही होती है। शोरूम पे पहुंच गए हम और गाड़ी को लगा दी वॉशिंग में। लाइन आप देख सकते हो कितनी लंबी है, वॉशिंग के लिए लग गई और ये जॉब कार्ड बन गया। इसमें थर्ड सर्विस में लिखा है इंजन ऑयल चेंज होगा, ऑयल फिल्टर, ड्रेन प्लग, गैसकेट, शैम्पू, अलाइनमेंट। इन्होंने बोला तो मैंने अलाइनमेंट ऑलरेडी करवा लिया, तो अलाइनमेंट नहीं करवा रहे हैं। साइलेंसर कोटिंग बोला, मैंने वो भी मना कर दिया। और टोटल कॉस्टिंग जो इसकी बताई कि 2500 के आसपास आएगा। चलो देखते हैं, अभी गाड़ी तो वॉशिंग के लिए गई है। यहाँ पे आज सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि वॉशिंग में बहुत टाइम लगता है। मैं पहले आया ये सोचा जल्दी वॉशिंग हो जाएगी, लेकिन हमें लग रहा है अभी भी 1 घंटा लग जाएगा। यहाँ लगी अपनी गाड़ी 2 से 3 नंबर। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने पूछा कोई दिक्कत, तो दिक्कत है नहीं तो क्या ही बताएं। गाड़ी की वॉशिंग हो गई, करीब 1.5 घंटे लगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है यहाँ पे आने की, वॉशिंग में टाइम ज़्यादा लग जाता है। कभी भी आते हैं तो सबसे पहले आ जाओ वॉशिंग के लिए, या तो वॉशिंग यहाँ से कराओ ही, बहुत टाइम लगता है। बाकी अपनी गाड़ी क्लीन हो रही है, गाड़ी की वॉशिंग हो गई और पॉलिश हो गया, शाइन कर रही है। वॉशिंग और पॉलिश होने के बाद अब जा रही है सर्विस के लिए। ये वर्कशॉप एरिया है, यहाँ पे गाड़ियों की सर्विस होती है। 1/2 घंटे बाद हमारी गाड़ी सर्विस के लिए गई। वहाँ पे काफ़ी गाड़ियों की सर्विस हो रही थी, जिसकी वजह से नॉइस बहुत ज़्यादा हो रहा था और मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था, इसलिए वॉइस ओवर करके यहाँ से डाल दे रहा हूँ मैं। यहाँ पर हमारे गाड़ी को लिफ्ट किया गया थोड़ा सा, और उसमें से सारे जितने भी फिल्टर से निकाल के उनको क्लीन करके लगा दिया गया। क्लीन करके इसलिए लगा दिया गया क्योंकि वो ख़राब नहीं हुए थे, अगर ख़राब हुए होते तो चेंज होता वो, और उसकी कॉस्टिंग एक्स्ट्रा आती। विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए इसमें शैम्पू डाला और 2 एक्स्ट्रा शैम्पू दिए। फिर गाड़ी को पूरा लिफ्ट करके इसके चारों टायरों को निकाला और सारे ब्रेक्स को क्लीन किया। चारों ब्रेक्स को क्लीन करने के बाद पुराना इंजन ऑयल था जो, उसको पूरा ड्रेन किया और ऑयल फिल्टर को भी चेंज किया। और ये सारे काम होने के बाद टायर को वापस से जो है लगा दिया गया। अब बारी थी इंजन ऑयल टॉपअप करने की। इंजन ऑयल, नया इंजन ऑयल जो है 5 लीटर का, इसमें डाला गया। और फिर गाड़ी को पूरी तरह से चेक करके, लाइट्स वगैरह और गाड़ी को स्टार्ट करके सब चेक किया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके बाद कोई प्रॉब्लम ना होने के बाद गाड़ी को सर्विस से निकाल दिया गया। गाड़ी की टोटली सर्विस हो गई, फिर एक टेस्ट ड्राइव पे गए गाड़ी में कोई प्रॉब्लम देखने के लिए, तो कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं। बट आपको दिखा देता हूँ बिल कितने का बना है। बिल हमारा टोटल आया है 2181 का अपना बिल आया है टोटल। ये बिल और भी बढ़ता, बट मैंने कुछ चीज़ें कटवा दी थी उन्हें पहले ही, साइलेंसर कोटिंग कह रहे थे करने के लिए वो, और भी पता नहीं क्या क्या था, मैंने सब हटवा दिया। जो काम की चीज़ें थी वही बस कर रही। इसमें मैंने एक गलती कर दी जो आपको बता देता हूँ, आप मत करना वो गलती। इसमें देखो लुब्रिकेंट है 300 रुपये का, देख रहे हो, ये मत करवाना। अगर वो बोलते हैं करने के लिए तो कह देना नहीं, हम बाहर से करवा लेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा बस सारे डोर्स पे लगाते हैं, उसका 300 रुपया लेते हैं, तो ये मत कराना। बाकी अपने काम की चीज़ें देख लेना, जैसे ये ऑयल तो चेंज होगा ही 10,000 रुपये। ये लुब्रिकेंट मेरे से गलती हो गई, ये नहीं लगवाना था, बट अब गलती से इंसान सीखता है, कोई बात नहीं, आप मत कराना। आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ मैं, आप ये गलती दोबारा मत दोहराना। गाड़ी सर्विस के बाद हमने एक टेस्ट ड्राइव ली और गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं, अलाइनमेंट वगैरह से लेकर कुछ भी कोई दिक्कत नहीं थी, परफेक्ट है गाड़ी। वैसे 10,000 गाड़ी चली तो क्या ही दिक्कत आनी चाहिए उसमें। ये तो बात हो गई थर्ड सर्विस की, पहली और दूसरी सर्विस के बारे में बता दूँ आपको, तो उसमें कुछ नहीं होता है, नॉर्मल बस गाड़ी का चेक होता है। फिल्टर वगैरह जो होते हैं, एयर फिल्टर जो होता है, उसको क्लीन करते हैं और लगा देते हैं और गाड़ी की वॉशिंग हो जाती है, बस सिंपल, और कुछ नहीं होता है। थर्ड सर्विस जो मैंने कराई, ये सबसे मेजर सर्विस है, इसी में आपका ऑयल चेंज होता है
और इसी में आपका अलाइनमेंट वगैरह चेक किया जाता है। अलाइनमेंट मैंने बाहर से करा ली थी, आप भी अलाइनमेंट जो है बाहर से करा लेना क्योंकि अंदर बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है। तो अलाइनमेंट बाहर से करा लेना और ये लुब्रिकेंट वगैरह जो है ये बाहर से करा लेना, ऑयल चेंज करा लेना कंपनी पे, और नॉर्मल जो सर्विस होती है वो गाड़ी को लिफ्ट करते हैं, जो भी ब्रेक्स वगैरह क्लीन करते हैं वो आप करा लेना एजेंसी पे। करते हैं वीडियो खत्म।